रहे थे पैरेलल पाथ डीके, रेडियो एक्टिविटी का एक पॉइंट देखे थे लास्ट वीडियो में, पैरेलल पाथ डीके। आज देखते हैं हम लोग, अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ए ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, और ये डीके करने के बाद एक डाउटर न्यूक्लियस बी देता है, पैरेंट न्यूक्लियस, और इससे डाउटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ बी। अगर पैरेंट न्यूक्लियस का भी हमको डीके कांस्टेंट दिया हुआ है और डाउटर का भी, पैरेंट न्यूक्लियस का डीके कांस्टेंट लेमडा ए, और डाउटर न्यूक्लियस जो ए से फॉर्म किया इसका डीके कांस्टेंट बी, और ये क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि ए जो है मैक्सिमम कितने टाइम तक डीके करता रहेगा, या बी का फॉर्मेशन मैक्सिमम कितने समय तक हो सकता है। तो बी का फॉर्मेशन कितने टाइम तक होगा, ये मैक्सिमम टाइम अगर कह दिया काउंट करने के लिए, या ए का डीके कितने टाइम तक हो सकता है मैक्सिमम, ये अगर क्वेश्चन आपसे अराइज हुआ तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे टी मैक्सिमम। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 बाई, अब इन दोनों में जो बड़ा हो, जैसे लेमडा ए बड़ा है तो लेमडा ए माइनस लेमडा बी, या ये बड़ा है तो लेमडा बी माइनस लेमडा ए, वो तो मैग्नीट्यूड आप देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अनुसार। तो लेमडा बी माइनस लेमडा ए इंटू लॉग, और जो बड़ा होगा जिससे आप घटाए हैं छोटे वाले, लेमडा बी बाई लेमडा ए। इस फॉर्मूला से आप टी मैक्सिमम काउंट कर लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि एक पैरेंट न्यूक्लियस है जो कि डीके करने के बाद डाउटर न्यूक्लियस दिया, जिसमें कि ए का पैरेंट न्यूक्लियस का डीके कांस्टेंट और डाउटर न्यूक्लियस का डीके कांस्टेंट मालूम, और टाइम पूछ दिया जाए मैक्सिमम टाइम कि ए का डीके मैक्सिमम कितने समय तक हो सकता है, या बी का फॉर्मेशन मैक्सिमम कितने समय तक हो सकता है, तो आप इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखें एक चीज और, जैसे किसी भी लिविंग थिंग में, कोई भी लिविंग थिंग है, तो उसमें C14/C12 का जो रेशियो होता है वो डिफिनिट होता है, फिक्स रहता है। अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग C14/C12 का रेशियो होता है, कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग स्पेसीज में वैरी करता है, लेकिन हर स्पेसीज में C14/C12 का जो रेशियो है वो डेफिनेट है। जब वो लिविंग थिंग डेड होगा तो डेड होने के बाद उसमें C14 का जो आइसोटोप है कार्बन का, C14 का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, और उसके डिक्रीज करने का रेट भी हर स्पेसीज में अलग अलग होता है, उसके डिक्रीज करने का रेट भी हर स्पेसीज में अलग अलग होता है, लेकिन जो भी होता है स्पेसीज में डीके करने का रेट वो भी डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर हमसे कहा जाए, जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, क्या कहते हैं इसको, कार्बन डेटिंग मेथड, ये कार्बन डेटिंग मेथड है, और ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है इस मेथड में अगर हम ये कहें कि लेट अ लिविंग थिंग कंसिस्ट्स ऑफ C14/C12
वैल्यू एक्स सी 14 बाई सी 12 का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। व्हेन द थिंग इज डेड, जब ये लिविंग थिंग डेड हो जाता है या डेड हुआ, देन इट्स सी 14 बाय सी 12 वैल्यू इज मेजर्ड 0.7 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सी 14 बाई सी 12। ओरिजिनल वैल्यू मतलब इसका जो वैल्यू एक्स दिया हुआ है, जब ये लिविंग थिंग डेड हो गया तो डेड होने के बाद इसमें पाया गया कि 0.7 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या था, एक्स था, इसका 0.7 टाइम्स डेड होने के बाद सी 14 बाई सी 12 का रेशियो उस लिविंग थिंग में पाया गया, मेजर किया गया। तो आपसे क्वेश्चन एराइज हो जाए, ये पूछा जाए कि कैलकुलेट, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कैलकुलेट एज ऑफ द लिविंग थिंग, मतलब वो जो लिविंग थिंग है वो कितने समय के बाद ये डेड हुआ होगा, या फिर जिस समय आप उसका डेड फॉर्म आपको मिला है तो वो कितना पहले डेड हुआ, कितना समय पहले डेड हुआ, वो अगर कैलकुलेट करना है उसी को यहाँ एज कहा जाए, एज। तो आप लिखेंगे टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 लॉग एन नॉट बाई एन और बाई लेमडा, है ना। लेमडा के लिए आपको यहाँ पे टी हाफ का मैग्नीट्यूड, लिविंग थिंग जो है उसके टी हाफ का मैग्नीट्यूड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिस तरह से ये वैल्यू दिया हुआ है कि ओरिजिनल जिस समय लिविंग थिंग जिंदा था, लिविंग था, उस समय सी 14 बाई सी 12 का वैल्यू, जैसे यहाँ एक्स दिया हुआ है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, डेड होने के बाद सी 14 बाई सी 12 मेजर किया गया इतना टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, क्लियर है। उसी तरह टी हाफ भी यहाँ दिया रहेगा, जैसे हम मान लें कि 12 आवर्स, ये टी हाफ दिया हुआ है क्वेश्चन में ताकि आप लेमडा काउंट कर सकें। तो फॉर्मूला ये यूज करना है, टी इज इक्वल टू 2.303 एन नॉट बाई एन, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब यहाँ एन नॉट क्या लिखिएगा, तो यहाँ लिख दे वेयर एन नॉट ये एक्स है और एन जो होगा, एन ये होगा 0.7 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 0.7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू एक्स है इसलिए 0.7 टाइम्स ऑफ एक्स, और लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो लेमडा इज इक्वल टू 0.693 बाई 12, और इससे यहाँ पे काउंट कर लेंगे आप टी का मैग्नीट्यूड। यही एज कैलकुलेशन है, एज कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस मेथड से। इस पर भी एक न्यूमेरिकल आपको रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं एक और पॉइंट जहाँ से कि न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, वो देखिए, ये है एज ऑफ रॉक, तो एक हेडिंग होगा एज ऑफ रॉक, इसमें क्या रहेगा ये देखिए, एज ऑफ रॉक, तो यहाँ हेडिंग देंगे
एज ऑफ रॉक, है ना। जैसे सपोज कर ले कि यूरेनियम को हम लोग पिच ब्लेंड ऑर्स है यूरेनियम का, जिससे कि यूरेनियम को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ के यहाँ पे पिच ब्लेंड जो हो गया ये एक रॉक हो गया जो कि यूरेनियम का ऑर्स है ना। और इसका यानी यूरेनियम का तो ये कंप्लीट रॉक का ही देगा हाफ लाइफ टी हाफ, जिसमें क्या है तो एक्चुअली ये हाफ लाइफ किसका होगा, यूरेनियम का। तो यूरेनियम का हाफ लाइफ यहाँ लिखा रहेगा कुछ भी, जैसे हम लिख देते हैं 10^9 ईयर्स, 4.5 × 10^9 ईयर्स। ये हाफ लाइफ किसका है, यूरेनियम का। ये यूरेनियम जब डीके हुआ टूटा, तो इसके डीके होने के बाद इससे एक डाउटर निकुलियस लेड 206 फॉर्म किया। इसका कुछ अमाउंट, इसकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डीके होकर लेड में कन्वर्ट हो गया, और कुछ अमाउंट जो यूरेनियम का बच गया, अगर यूरेनियम का एटॉमिक मास यहाँ 235 है तो यूरेनियम का कुछ अमाउंट डीके करके लेड दे दिया, और जो रेस्ट अमाउंट बच गया यूरेनियम का वो ये है। तो यूरेनियम के डीके होने से डाउटर निकुलियस का फॉर्मेशन हुआ जो कि लेड है, और कुछ जो रेस्ट यूरेनियम बच गया वो ये। ध्यान यहां देना है कि अगर लेड का अमाउंट यहां ग्राम में दे दे, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे लेड का अमाउंट, लेड 206 का अमाउंट ग्राम में दे दे, जैसे एक्स ग्राम लिख दिया, और यूरेनियम 235 वाई ग्राम यहाँ बच गया टूटने के बाद, इसके डीके होने के बाद लेड 206 एक्स ग्राम फॉर्म कर गया और लेड 235 वाई ग्राम बच गया इस तरह से। तो अब यहाँ पे आपसे कहा जाए कि इसका एज बताइए, इसका एज बताइए कि ये कब तक टूट टूट कर लेड फॉर्म करते रहेगा और यूरेनियम का रेस्ट अमाउंट बचते रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्रेक होते जाएगा, लेड बनते जाएगा, वैसे वैसे इसका एक्चुअल अमाउंट डिक्रीज करते जाएगा और फाइनली एक बार मिनिमम पे आ जाएगा जहाँ से कि इसका डीके होना बंद हो जाएगा। तो वही एज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सबसे पहले एज कैलकुलेट करने के लिए आपको एन नॉट बाई एन चाहिए, इनिशियल अमाउंट बाई फाइनल अमाउंट चाहिए। तो इसको कैसे काउंट करेंगे आप, तो 1+PB206 बाई यूरेनियम 235, ये हुआ इनिशियल अमाउंट बाई फाइनल अमाउंट। ये कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखेंगे, 1+PB206 बटे यूरेनियम 235। अब आप लिखेंगे यहाँ यूरेनियम 235, 206, 235, एलसीएम ले लिए। अब यहां जो आप यूरेनियम का अमाउंट रखेंगे, ये डायरेक्ट वाई नहीं रखेंगे। अगर आप वाई रख देते हैं यहाँ, एक्स रख देते हैं पीबी का अमाउंट जो दिया हुआ है, और यहाँ वाई रख देते हैं, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं रखना है। क्या रखना है यहाँ पे, तो अब आप लिखेंगे एन नॉट बाई एन का वैल्यू यूरेनियम के जगह पे, यूरेनियम 235 का जो अमाउंट लेना है वो एक्स बाई 235 यानी मोल में कन्वर्ट कर दें। अगर अमाउंट मास में दिया हुआ है तो इसको मोल में पहले कन्वर्ट करना होगा आपको, उसके बाद ही एन नॉट बाई एन का वैल्यू निकलेगा। अगर ऐसा वैल्यू आप निकालते हैं एन नॉट बाई एन का वैल्यू, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे ये हो गया किसका, यूरेनियम का वाई है अमाउंट, वाई है, तो वाई अपॉन 235। यूरेनियम का अमाउंट क्या माने हैं, वाई, तो वाई अपॉन 235, और लेड का अमाउंट क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स अपॉन 206 बाई यूरेनियम 235 का अमाउंट क्या लिए हैं, वाई बाई 235। क्लियर है, यूरेनियम 235 का अमाउंट हो गया y बाई 235 प्लस
लेड का हो गया x बाई 206, बाई यूरेनियम 235 का हो गया y बाई 235। इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे जिससे कि n नॉट बाई n का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? और अब इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके बाद आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा? तो जो आप टाइम निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जो भी आप यूज कर रहे हैं टाइम निकालने के लिए, वही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। तो टी इज इक्वल टू लिखेंगे 2.303 लॉग एन नॉट बाई एन। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्या होता है, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ रख देंगे। तो एन नॉट बाई एन और बाई टी हाफ मालूम था आपको, टी हाफ 4.5 इंटू 10^9 दिए थे। तो टी हाफ से लेमडा निकाल कर यहाँ से टी का मैग्नीट्यूड आप काउंट कर लेंगे, यही कैलकुलेट करना है इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज ये दिमाग में रखिएगा कि अगर जो रॉक है यूरेनियम, यूरेनियम का जो रॉक है वो अगर डिके करता है और डिके करने के बाद डाउटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, और रेस्ट अमाउंट यूरेनियम 235 का यहाँ बच गया, टी हाफ इसका मालूम है 4.5 10^9 ईयर्स। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका एक्स मोल दे दिया, मास नहीं दिया, ग्राम नहीं दिया, क्या दे दिया, मोल, कि पी 206 का मोल है एक्स और नंबर ऑफ एटम्स है, या नंबर ऑफ एटम्स दे दिया एक्स, तो मोल दिया रहे या एटम्स दिया रहे, डाउटर न्यूक्लियस जो फॉर्म किया है उसका मोल दिया रहे या फिर एटम्स दिया रहे, इन दोनों केसेस में चेंज करने की आवश्यकता इसको नहीं है। जैसे मास दिया हुआ था तो मोल में चेंज किए, यहाँ पे कोई चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है, जो वैल्यू दिया हुआ है वही रखना है। ये वाई मोल है या इसका वाई एटम्स है ना, ये वाई मोल दे दे या वाई एटम, दोनों में से कोई एक ही देगा, और लिखा हुआ है मतलब समझ रहे होंगे, या तो मोल में दे इसका वैल्यू या एटम में दे, इसका भी वैल्यू मोल में दे या एटम में दे, तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे जो आप एन नॉट बाई एन निकालेंगे, जिसमें आप लिखेंगे 1 + PB 206 बाई यूरेनियम 235, तो इस जगह पर जो वैल्यू निकालेंगे 1 + और लेड के जगह पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे PB 206, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यूरेनियम 235 और यहाँ यूरेनियम 235 और प्लस PB 206, डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देना है। यूरेनियम 235 का मोल क्या है, वाई, तो वाई प्लस लेड का वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स बाई और यूरेनियम 235 का वैल्यू वाई। क्लियर है? वाई 235 का वैल्यू वाई मोल या वाई एटम जो वैल्यू है वही रखना है, इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेंज क्या करेंगे आप, मास दिया रहेगा तो मोल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मोल ही दिया हुआ है या एटम्स दिया हुआ है तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 235 का हो गया मोल वाई और लेड का हो गया एक्स, फिर यूरेनियम का हो गया 235, तो ये एन नॉट बाई एन का वैल्यू हो गया। अब फार्मूला यही लगाना है, तो टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग एन नॉट बाई एन के जगह ये वैल्यू रख देना है यहाँ पे, और लेमडा टी हाफ मालूम है तो लेमडा निकाल लेंगे आप, ये फार्मूला यहाँ लगा देना है। तो एन नॉट बाई एन कैसे निकालना है, किस तरह का टर्म यहाँ पे यूज होगा, दिया हुआ होगा,
तो हमको क्या करना चाहिए n नॉट बाई n निकालने के लिए, बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरह से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये देख रहे थे हम लोग रेडियो एक्टिविटी, जो आज समाप्त हो गया, रेडियो एक्टिविटी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री यानी एनर्जेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और एनर्जेटिक्स स्टार्ट होगा और फिर हम लोग ट्वेल्थ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो ट्वेल्थ भी स्टार्ट होगा। इसके बाद का चैप्टर है एनर्जेटिक्स, लेकिन बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग देखे हैं इसमें, उस फॉर्मूला को यूज करना है और न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे इस पर, तो आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन पता चलेगा। तो हम एक जगह सिर्फ लिख दे रहे हैं समरी के लिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला आप इसमें निकालें, ड्राइव किए कौन कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देखें। हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, पहला एक फॉर्मूला आया था एक्सपोनेंशियल के टर्म में नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ये मास, मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टांस निकालने के लिए टी समय के बाद, तो एन नॉट इंटू ई टू द पावर लेमडा टी, एक फॉर्मूला ये आया था, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला आया टी का, टी निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव किए 2.303, जिसका विशेष यूज है लॉग एन नॉट बाई एन बाई लेमडा, ये दूसरा फॉर्मूला, जनरली न्यूमेरिकल में आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तीसरा फॉर्मूला, इसी से रिलेटेड फॉर्मूला, अगर हमको अमाउंट ऑफ सबस्टांस काउंट करना है टी समय के बाद और टी हाफ मालूम, तो ऐसे स्थिति में एक फॉर्मूला ये बताए थे पावर एन, जहां एन के बारे में बताए कि एन इंटीगर है, तो जिसको आप कह सकते हैं वेयर एन बराबर 1, 2, 3, 0 नहीं, इस तरह से डैश डैश, और एन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो टी बाई टी हाफ से निकाले थे, ये भी एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम लोग निकाले टी हाफ के लिए, ये हाफ लाइफ निकालना हो तो 0.693 बाई लेमडा, ये एक फॉर्मूला था। और एक हम लोग पैरेलल पाथ डीके के लिए फॉर्मूला काउंट किए, जिसमें आपको बताए कि अगर डाउटर न्यूक्लियस का अगर हमको डीके कांस्टेंट काउंट करना हो, नहीं मालूम है ये काउंट करना है, तो हमको जो डाउटर न्यूक्लियस बी है उसका फ्रैक्शनल एल्ड और इसको गुणा कर देना है, ये जो डाउटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है जिस पेरेंट न्यूक्लियस से, उसके डीके कांस्टेंट से इसको गुणा करना है। चूंकि पैरेलल पाथ डीके में एक साथ दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, देखेंगे आप थ्योरी में बताया हुआ है, तो दोनों का हमको डीके कांस्टेंट काउंट करने का यही पैटर्न है, यही तरीका है। तो फ्रैक्शनल एल्ड किसका, फ्रैक्शनल एल्ड किसका, ये था बी का ऑफ बी, और ये किसका ऑफ सी इंटू लेमडा ए, इस तरह से आप काउंट करेंगे, एक फॉर्मूला ये आया। सिक्स फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला आपको मिला है टी मैक्सिमम काउंट करने का, तो सिक्स फॉर्मूला में टी मैक्सिमम अगर हमको काउंट करने का आ जाए तो 2.303 बाई लेमडा बी माइनस लेमडा ए लॉग लेमडा बी बाई लेमडा ए, और बाकी जो दो केस बताए जिसमें एक कार्बन डेटिंग और एक केस आपको बताए एज ऑफ रॉक काउंट करने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट अभी बताए उसको दिमाग में रखेंगे, बाकी ये छह फार्मूला जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे हैं,
कि कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ PO84-210। एक क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ PO84-210 इज 140 डेज, इज 140 डेज। इन हाउ मेनी डेज वन ग्राम ऑफ दिस आइसोटोप इज रिड्यूस टू 1 ग्राम ऑफ दिस आइसोटोप इज रिड्यूस्ड टू 0.25 ग्राम। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है आप देखिए, इसमें दिया हुआ क्या क्या है और क्या मांग रहा है। तो हाफ लाइफ दिया हुआ है, यानी टी हाफ आपको पता है 140 डेज। एकदम सिंपल है फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आ जाएगा आपको। टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ दिया हुआ 140 डेज। करा इन हाउ मेनी डेज, यानी टी पूछा कितने समय में। 1 ग्राम यानी कोई आइसोटोप है, लेड 84-210 ये एक आइसोटोप है जिसका अमाउंट 1 ग्राम दिया हुआ है, तो इनिशियल अमाउंट हुआ 1 ग्राम। कह रहा है कितने समय में ये 1 ग्राम जो अमाउंट है ये 0.25 ग्राम हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो गया 0.25 ग्राम। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए हमको, यहाँ पे फॉर्मूला हमको क्या यूज करना चाहिए। तो या तो टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एन नॉट बाई एन बाई लेमडा, तो लेमडा के लिए लेमडा का फॉर्मूला 0.693 बाई टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर कर दीजिए यहां गुना में 140, इसके नीचे टी हाफ आएगा तो टी हाफ ऊपर चला जाएगा 140। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0 ऊपर कर दे 2, 4 से कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 140 इंटू 2.303 लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 4 को 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, है ना। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 बाई 0.69। अब log 2 का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 गुना 2.303 गुना 2 इंटो 0.301, log 2 का वैल्यू रख दिए, बाई 0.693, ये टी निकल गया। अगर आप फॉर्मूला ये यूज करते हैं, एन बराबर एन नॉट इंटू 1/2 पावर n, ये अगर यूज करते हैं तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे। n मालूम है आपको 0.25 बाई एन नॉट कर दीजिए, एन नॉट यहाँ इसके बट्टे में ले आइए, 1 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर एन लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। पॉइंट हटा दें यहाँ 100, 1/4, तो 1/4 बराबर 1/2 पे पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 पावर एन, इसलिए एन बराबर 2 हो गया, तो
एन का वैल्यू निकाल लिए यानी नंबर ऑफ डीके, और एन जब निकाल लिए तो चूंकि एन इज इक्वल टू क्या जानते हैं, टी बाई टी हाफ। अब टी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए और टी हाफ मालूम है 140, इसलिए टी इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू टी हाफ 140 यानी 280 डेज। तो अब आप ऐसे आसान समझे तो इस तरह से सॉल्व कर ले, या अगर आपको ये आसान लगता है तो इस तरह से सॉल्व कर ले। तो जिस तरह भी सॉल्व करेंगे आंसर एक ही आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।